नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गैंगरेप पीड़िता के घर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और वहीं पिता ने मांग की कि सभी आरोपियों को फांसी दी जाए, जिसके बाद राष्ट्रीय मंत्री ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गैंगरेप पीड़िता के घर मिलने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री राहुल वाल्मीकि पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद पीड़ित पिता ने पैर पर गिरकर आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की। कहा, अब तक दो ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, मेन दो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद न्याय दिलाकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। यूपी में दोनों बीजेपी की सरकार है और उसके बाद इतनी बड़ी यूपी में गैंग रेप का दिन प्रतिदिन रेप बढ़ता जा रहा है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बिलोंग करते हैं, हाथरस में उसी लड़की को 25 लाख रुपया दिया जा रहा है और यहाँ पे 6,18,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं उस पैसे से उसकी जो आबरू लूटी गई, उसकी हत्या हुई, उस पर कलंक कर रही है सरकार? देखिए, ये जो बलात्कारी घटनाएं हो रही हैं, ये किसी सरकार का नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने घर की बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करें। ये जरूर कानून की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ हम सभी व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि कैसे हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कोई भी बेटी हो या माता हो या वृद्धा हो या बच्ची हो, उसको कैसे सुरक्षित स्थान तक पहुँचाएँ। मर्दानगी इसमें नहीं है कि किसी बच्ची की रूबरू आबरू लूट ली जाए, मर्दानगी इसमें है कि उस बच्ची की इज्जत कैसे बचाई जाए। मैं इस बात के सभी समाज में रह रहे, देश में, प्रदेश में रह रहे सभी व्यक्तियों से आग्रह करता हूं कि कानून के साथ साथ ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि कैसे हमारे परिवारों की बच्चियां सुरक्षित रहें और पढ़े लिख कर अपना नाम रोशन कर सके। नहीं, ये जब क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।